वेलकम वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? थंबनेल देख के, टाइटल देख के समझ चुके होंगे कि जिसके ऊपर वीडियो है। आज मैं आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के सामने करके भी दिखाऊंगी और टाइमिंग के साथ सब कुछ बताऊंगी कि क्या व्हाट बैंगिंग है। नहीं, कुछ दिन पहले मैंने ये मंगवाया था बॉक्स, जिसमें मैंने अपनी मोस्ट फेवरेट चीजें जो इसकी हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से आपको, क्योंकि मैं यूज करती आ रही हूँ। वैसे तो ब्यूटी फॉर बाय आमना से ही हमारे मुंह में बैठा हुआ ब्यूटी फॉर बाय आमना, लेकिन इनका नाम चेंज हो गया, बीबी सुलेमान हो चुका है। ये देख लेते, यही नाम है ना, बीबी सुलेमान, क्योंकि वो मुंह में अठा बीबी ए बाई सुलेमान, वैसे हमारे मुंह में बैठा हुआ ब्यूटी बाबा आम है, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो चुका है। मैंने मंगवाया था ये, जो कि मैं पहले भी यूज करती आई हूँ, आपने देखा होगा काफी वीडियोस में मैं। ये बहुत अच्छा बी ब्यूटी का मेकअप सेटिंग स्प्रे, अच्छा सेटिंग स्प्रे कर देता है, अच्छी खासी इसकी बॉटल है, मतलब अच्छे खासे ML दे रहा है आपको ये, और प्राइस भी इसकी बहुत अच्छे, सेल लगी हुई, आप उठा सकते हो, लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये वाला सेटिंग स्प्रे अच्छा है। दूसरा मैंने मंगवाया था, आपको पता है कि मेरा ये मोस्ट फेवरेट है, ये रेडियंट कंसीलर ब्यूटी बाय आमना का ये, ठीक है। इसका जो पहले शेड था बेज 6 था, एक ज्यादा नहीं, थोड़ा सा डार्कर था मेरी स्किन का, लेकिन ये आउट ऑफ स्टॉक है, काफी देर से आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने देख रही थी, मैंने कहा चलो अब मैं मंगवा लेती हूँ दूसरा शेड, तो मैंने मंगवाया है नेचुरल, जो कि लिटिल बिट लाइटर है, ज्यादा नहीं, बट सही है, ठीक है, चल जाएगा मेरी स्किन के हिसाब से, ठीक है। इतना भी डार्कर नहीं, इतना भी लाइटर नहीं है, ठीक है। तो जब हम पूरा पूरा ओवरऑल मेकअप करते हैं तो सही लगता है। ये क्या हो गया, बंद क्यों नहीं हो रहा, हो गया। तो ये इस तरह का इसका शेड है, लाइट शेड है, नेचुरल शेड है, 03 नेचुरल, ये इसका शेड मैंने मंगवाया था। अच्छा, मुझे इसकी जो पैकेजिंग में एक चीज ये लगी कि मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को भी ऐसा फील होता है कि ऐसा होना चाहिए, जैसे ये एक बॉक्स है, ठीक है, गुड। अब इसके बाद ये कंसीलर है ना, इसको भी सील पैक होना चाहिए, ताकि सील हम खोले तो लगे कि हाँ हम ही यूज कर रहे थे, मतलब हमने ही यूज करना है, तो इसलिए हमने सील खोले। अब पहले से पता किसी ने टेस्ट किया हुआ शेड क्या किया हुआ, तो इसको सील पैक होना चाहिए था मेरे हिसाब से। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में? बाकी मैंने जो एक इसका मंगवाया था, इसकी बहुत हाइप थी, बी ब्यूटी का, मैंने जब इसका सेटिंग स्प्रे अच्छा, तो लेट सी ट्राई ये वाला कंसीलर, जो कह रहे थे इंस्टाग्राम में अदर ब्लॉगर्स के इसका ड्यूप कह रहे थे टार्ट का, तो लेट सी कि ये वाकई ही टार्ट का ड्यूप है कि नहीं, लेट सी, मैं ट्राई करूंगी। अच्छा, पैकेजिंग की बात करेंगे तो पैकेजिंग सेम है, सिमिलर है, ज्यादा चेंज पैकेजिंग नहीं रखी इन्होंने, ये थोड़ी सी मोटी है इससे, बाकी पैकेजिंग इसका ये सब एग्जैक्टली एक जैसा ही है। इसका जो शेड मैंने मंगवाया है गोल्डन बेज, और जो टार्ट का शेड है वो मेरे पास है लाइट मीडियम। अच्छा, टार्ट का लिटिल बिट लाइटर है मेरे आईज के, यानी अंडर आई के लिए, तो मैं हल्का सा इसमें डार्कर शेड मिक्स करती हूँ, तो एग्जैक्टली मेरा शेड बन जाता है, और ये वाला शेड एग्जैक्टली मेरे शेड का, और मैंने जितने भी यहाँ पर अपने एक्नी स्पॉट्स हैं वो मैंने इसी से हाइड किए हुए। और अब हम मैं आप ही के सामने इसको अप्लाई करके दिखाऊंगी, एक आंख में ये वाला और एक आंख में ये वाला, ताकि आपको पता चले। सेट भी आपके सामने करूंगी, टाइमिंग के साथ बताऊंगी कि ये दोनों किस टाइम में अप्लाई कर रही हूँ, और दोनों की कवरेज कैसी है, दोनों किस तरह अप्लाई हो रहे हैं, और कितने बजे से कितने बजे इंक्रीज कर जाएगा ये वाला, क्या वाकई ड्यूप है कि नहीं है इसका, क्योंकि इसके प्राइस अभी बहुत 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 ज्यादा हो रहे हैं, यानी 6,500 तक पहुंचा हुआ है ये टार्ट का, और ये 1,000 रुपये में मैंने सेल में से लिया, तो अगर ये इसके टक्कर का है या थोड़ा सा कम भी है तो 1,000 रुपये में बुरा नहीं है। तो लेट्स सी कि दोनों का कंपैरिजन मैं करूंगी आप लोगों के सामने, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओवरऑल पूरा मैंने मेकअप कर लिया, सिर्फ अंडर आई नहीं किया, क्योंकि मैं आपके सामने करना चाह रही थी, ताकि दोनों का कंपैरिजन कर सकूं सही से कि दोनों का वाकई ड्यूप है कि नहीं है। और टाइमिंग मैं आपको बता देती हूँ कि क्या टाइम हो रहा है 3:19 हो रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि मैं इसको 4-5 घंटा रखूंगी अपने आई पे चेक करने के लिए कि किस तरह की कवरेज है इसकी। तो अच्छी खासी है, ये क्रीज नहीं करता है, ये करता है कि नहीं करता है, लेट्स सी। एक आई में ये लगाऊंगी, एक आई में ये लगाऊंगी, करेक्टर नहीं लगा रही हूं, ये थोड़ा शेड मेरा लाइटर है, ठीक है, ये मेरा शेड लाइटर है, इतना छोड़ दूंगी। जब भी आप करेक्टर लगाया करें, अच्छा कम लगाया करें, देखे मैंने जस्ट इतना लगाया, मैं पूरी आई कवर करूंगी। कम लगाने से क्या होता है, देखो मैं इसको भी यूं कर रही हूं, उसको भी मैंने ऐसे किया था, ये थोड़ा लाइटर है, ये थोड़ा सा डार्कर है, पर ठीक है, लाइटर चल जाता है, लाइटर नहीं चलता, डार्कर चल जाता है मेरे हिसाब से,
तो लेट सी, मैं इसको थोड़ी देर रखूंगी। हमेशा जब भी आप कंसीलर करो, अगर आप चाहते हो कि कवरेज अच्छी दे, फुल कवरेज है, तो थोड़ी देर इस तरह लगा के छोड़ दिया करें, फिर इसको ब्लेंड किया करें, तब एक अच्छी आपको कवरेज मिल जाती है अपने अंडर आई में। ठीक है, करेक्टर मैंने इसलिए नहीं किया ताकि दोनों की मुझे वो पता चल जाए कि ताट का तो मुझे पता ही है कि एक अच्छी फुल कवरेज ऑफ कंसीलर है वो, लेकिन तब भी मैं करेक्टर करती हूँ ताकि मैं रिक्सी लेना चाहती हूँ कि क्योंकि दायरे ये शेड मेरा लाइटर है। करेक्टर के साथ मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करती हूँ अपने इससे ना, इस वाले से, तो एक अच्छा सा शेड बन जाता है मेरी टून के हिसाब से। लेकिन आज मैंने इसको इसके साथ मिक्स नहीं किया क्योंकि मैं एग्जैक्टली टार्ट का आपको बताना चाह रही थी, दोनों का कंपैरिजन करके कि दोनों किस तरह लग रहे हैं 4 घंटे बाद। यहाँ मैंने टार्ट लगाई, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है, यहाँ मैंने ब्यूटीफाई बाय आमला लगाया है। तो लेट्स सी, पहले मैं इसको ब्लेंड करूंगी। आप देखें देखें मैंने थोड़ी देर छोड़ के रखा ना, तो इसकी जो कवरेज होती है ना वो बहुत अच्छी आ जाती है। इसलिए मैं थोड़ी देर रखती हूँ उसको और फिर वो करती हूँ। अच्छा, कंसीलर को ना हमेशा सेट कर देना चाहिए फौरन फौरन, अक्सर हम लोग नहीं सेट करते। ठीक है, ये मेरा है, थोड़ा लाइटर है बट ठीक है, मैंने आपको बताने के लिए सिर्फ इसलिए टार्ट लगाया। अब मैं यहां पर ये ब्लेंड करूंगी। मुझे ना इस तरह के वार्म टोन वाले कंसीलर बहुत अच्छे लगते हैं। ये ना आपको, आप कुछ भी नहीं लगाओ, सिर्फ ये लगा लो और चले जाओ बाहर, ये इस तरह का लुक देते हैं। तो ये कलर शेड अच्छा है, एग्जैक्टली मेरी टोन है, वार्म गोल्ड लाइक दिस। कवरेज तो दोनों की अच्छी है, करीब से दिखा देती हूँ मैं आपको। ऑफ कोर्स ये लाइटर है, कवरेज आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको सेट करूंगी और सेट मैं इससे करूंगी अपना कैलॉन का ट्रांसलूसेंट पाउडर से। इसको सेट करने लगे हैं तो दोबारा जो लाइंस आई है ना, पहले मैं उसको इस तरह ब्लेंड करूंगी। क्योंकि हम जब इधर उधर देखते हैं ना तो वो लाइंस आ जाती है। ठीक है, इसको इस तरह निकाला, हाथ से इस तरह एक्स्ट्रा निकाला। अब ये वाली अंडर आई करूंगी, इसको इस तरह किया, ऐसे निकाला और ये जो लाइन्स आई हैं, तो देखते हैं कि ये ड्यूब है कि नहीं। ऑफ कोर्स दोनों की प्राइस में फर्क है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। लेट्स सी, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब लाइक एग्जैक्टली मेरा टून। अगर आप ये देखो कि ये कितना अच्छे से सेट हुआ, ये थोड़ा सा लाइटर है, ऑफकोर्स जब हम लाइटर शेड लगाते हैं तो हल्का सा हम ग्रेइश में लगते हैं ना, तो ये लग रहा है हल्का सा। देखो, ऑफकोर्स मैं इसमें साथ मिक्स करती हूँ, अपना शेड बनाती हूँ, ये शेड मुझे एग्जैक्टली अच्छा लगा है। तो ये दोनों मैंने सेट कर ली अपनी अंडर आई, हो गई है आई सेट लाइक दिस। ठीक है, अब ये इसका तो मैं जाहिर है टार्ट का तो मैं कह सकती हूँ कि फॉल बहुत अच्छा कंसीलर है, ये क्रीज नहीं करता है और आपका लंबी लॉन्ग लास्टिंग कंसीलर है ये। बट हमें कंपैरिजन करना है ब्यूटीफाई बाय आमना का इस टार्ट के साथ कि दोनों का क्या लास्टिंग एक जैसी है। तो लेट्स सी, ये मेरा है ब्यूटीफाई बाय आमना, ये है टार्ट। ठीक है, 4 घंटे बाद मैं आऊंगी और फिर आपको बताऊंगी कि ये क्रीज किया है कि नहीं किया, कैसा है क्या है। सो या, तब तो मैं वीडियोस बना लूँ, टिकटॉक चिकटॉक बना लूँ अपनी। तो घर के मैंने सारे काम ऐसी हालत में किए हैं ताकि आपको एक प्रॉपर रिव्यू दे सकूँ कि ये वाकई ड्यूप है कि नहीं है,
और आपको अगर इस तरह का रिव्यू अच्छा लग रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो मैं इस तरह की डिटेलिंग मतलब लाइक आपको रिजल्ट के साथ बताऊँ, क्योंकि मेरा ही होता है कि रिजल्ट के साथ बताया करूँ मैं। 56 हो रहे हैं अभी, ठीक है 7:56 मतलब 8 बजने वाले हैं, और मैंने 3:30 बजे ही मेकअप स्टार्ट किया था मतलब ख़त्म किया था। और ये मेरी आई लुक है, मैं थोड़ा करीब से भी दिखाऊंगी आपको। दोनों का कंपैरिजन अगर किया जाए तो मुझे वाकई ही लग रहा है कि ये नॉट बैड के फोन, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो 1000 रुपये में वाव वाला रिजल्ट है, वाव। और इसके जो प्राइस हो रहे हैं 6500 रुपये हो रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं वो ये ले सकते हैं, डेफिनेटली ले सकते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको करीब से भी दिखाती हूँ, ड्राई स्किन वाले इसको ना भी सेट करें, हल्का सा बस यहाँ कर ले, क्योंकि हमारे अक्सर यहाँ लाइंस बनती है, वो ना भी सेट करें तो भी चल जाएगा ड्राई स्किन वाले। ऑयली स्किन वाले ऑफकोर्स को करें क्योंकि ये फुल ऑफ मैट है। तो जो लोग टार्ट को स्विच करना चाहते हैं या वो कंसीलर चूज करना चाहते हैं, तो डेली यूज पे इतना एक्सपेंसिव ना यूज नहीं यूज करना चाहते, वो चाहते हैं कि एक अफोर्डेबल पे हम लोग इन्वेस्ट करें, तो नॉट बैड, बहुत अच्छा है ये। और अच्छा, इसको आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यहाँ मैंने लगाया था वो टिंट, तो वो तो गायब हो गई है। तो ये मैं इसको दिखा रही हूँ आपको करीब से, ये देखें। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी होगी तो ना लाइक कमेंट सेव शेयर कर दीजिएगा। जो लोग न्यू हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह की वीडियोस मेरे चैनल्स पे आपको मिलती रहेंगी, मतलब लाइक मैं टाइम के साथ आपको दिखाऊंगी, ताकि आप जब बाय करने जाओ तो सोच समझ के अपने पैसे एक अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। अब हाफिज़।